खतरनाक बवाल, गजब। जितने भी शब्द बोलो सब कम पड़ रहे हैं, क्योंकि सलमान खान यानी भाईजान ने टाइगर 3 का टीजर ड्रॉप कर दिया है और इसमें एक मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, ये टाइगर का मैसेज है। आपको याद होगा 2012 में YRF यानी यशराज फिल्म्स ने पहला स्पाई यूनिवर्स रिलीज किया, जिसका नाम था टाइगर। उसके बाद आया टाइगर जिंदा है, उसके बाद वॉर के बाद पठान आया शाहरुख खान का, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एंड अब ये टाइगर 3, माय गॉड, आई थिंक इस साल तो गजब का रिकॉर्ड बनाने वाला है बॉलीवुड। और आपको पता है दिवाली में धमाका करने वाला है भाईजान। इस ट्रेलर से मैंने बहुत सारे ब्रेकडाउंस किए। पहला ब्रेकडाउन ये है कि इसमें सलमान खान यानी टाइगर जो इसमें अविनाश राठौर का रोल कर रहे हैं, उनको देशद्रोही करार कर दिया गया है, जिसमें सलमान खान बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपने 20 साल का देश से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वही देश मेरे बेटे को बताए कि उनका बाप देशभक्त है या देशद्रोही। और उसमें दिखाया गया सिचुएशन जहाँ पे वॉर हो रहा है, एंड सलमान खान बोला अगर वो जिंदा रहा तो लड़ता रहेगा और अगर जिंदा नहीं रहा तो जय हिंद। और इसके एक्शंस, एक सीन था जिसमें सलमान खान जीप में टर्न लेके डायरेक्ट शॉट्स मार रहे हैं, फायर शॉट्स मार रहे हैं, गजब का शॉट्स था वो। उसके बाद एक्शन बाइक में, एक्शन फायर कर रहे हैं गजब। और इसमें एक डायलॉग मारते हैं सलमान खान, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। सासे कम तरीकी मिसालें बच गई।